Hey guys, welcome back to another vlog. आज है BMPS का final day और आज बहुत सारे creators भी आए हैं and esports players से भी हम लोग मिलेंगे. तो आपको पता ही यार, gamers वगैरह बहुत ही आजकल outfit और styling वगैरह करने लगे. So आज हम सारे creators से पूछने वाले हैं कि उनके outfit कितने के हैं and आप लोग comments में बताना कि आपको सबसे best किसका लगा. ठीक है, let's go. थोड़ा चौक हो गया बट डिसेंट है. पहला मैच है ना, तो स्टार्ट अच्छा है. हमारा ये वही है कि 80 पॉइंट स्कोर करना है. कल का डे वो हो जाएगा. नहीं प्लेयर है यार, कोच कैसे होना है. मेरे एग्जाम से इस वजह से नहीं खेलता, एकदम अच्छी खेल रही है. आपको लगता है अभी फिलहाल जो है, बाकी बेस्ट तो मुश्किल है. पहली मामले में बहुत चुका है, गोल पर पहुंच चुका है और वो दूसरी टीम ऐसा भी नहीं कि गेम जो यार अहमदाबाद में मुझे इतना प्यार मिलता है ना हमेशा. अभी थोड़े दिन पहले मैं आके गई हूँ एंड वापस से इतने सारे लोगों को देख के मतलब लव यू गाइस. आप लोग बहुत प्यार दिखाते हो हमेशा. जो आपके हिसाब से बहुत ही बढ़िया हकदार है फॉर दिस चमचमाती ट्रॉफी. यार मेरी फेवरेट टीम तो एक ही है, वन एंड ओनली सो व्हेन आई एम सपोर्टिंग बोथ टीएक्स 8-bit अपनी फैमिली है सर. एंड सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे, बहुत अच्छा खेल रहे. ट्रॉफी किसी को भी मिलेगा लेकिन फेवरेट तो हमेशा फेवरेट ही होता है. सो सो ऑलवेज आपका आउटफिट
ये तो है, ये प्राइस ले भाई। अच्छा व्हाट डू यू प्रेफर, मतलब ऐसे कैजुअल काइंड ऑफ लोअर हुडी ऐसा या फिर जींस एंड प्रॉपर जैकेट वैसा आउटफिट? हुडी और जैकेट दोनों अच्छी लगती है और नीचे पेट छुपी है ना, पेट छुपी है इसका तो लगता नहीं है यार, ये तो फिट लगता है देख के। आप तो पेट छुपाते हो, आप ये बताओ ये क्या पेट है? मेरा पेट है, अच्छा लड़के इसलिए ओवरसाइज पहनते हैं ना पेट छुपाने के लिए, हुडी या जैकेट पहनते जो कि पेट छुप जाए, अगर टी-शर्ट पहनी तो उसमें दिखता है। आप इतने लकी चाम हो टीम के लिए, आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ से आप? लकी चाम का बात नहीं है, नहीं। मेरे को लेकिन थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को दो दिन पहले आ जाना चाहिए था। बॉटम से स्टार्ट करते हैं यार, ये AJ1 मेरे को नहीं पता थकने दिए कितने के होंगे ये, डिवाइस का होगा 4,500 का होगा, ये तो प्राइसलेस है, मर्चेंडाइज है, ये 30,000 का होगा, ये भी 35,000 की होगी बस। आपको कैसे लग रहा है, मतलब आज आप लास्ट ही आए हो ना? आज तो हाँ, मैं लास्ट ही आया हूँ। आपका सेलअप मोस्टली बाहर से शॉप करते हैं, जब हम कोरिया गए थे तब भी हमने वहाँ पे बहुत शॉपिंग की थी। तो ये तो शूज है, ये मुझे मैंने किसी के रिकमेंड से लिए थे, तो ये कुछ 35-30 समथिंग के थे जब लिए थे। उसके बाद जींस अभी नॉर्मल पेपेजिनो की जींस है, ये कुछ 11,000 की है, ये नॉर्मल 11,000 इज वेरी नॉर्मल है। ये वन एंड ओनली जापान से लिया था, वो कलेक्शन नहीं था क्या मेरे को? हां तो ये वन पीस, हां लूफी, ये मैं भूल गया कितने का, ये कोरिया से लिया था, मैंने पूछा कितने का, कोरिया से जब हम गए थे, हां आई रिमेंबर, तो पता नहीं अपन ने पूरा वो किया था, हां वहां भी बहुत खर्चा हुआ था। ये थोड़ा सा महंगा, ये LV का 85,000 का, ये मैंने रशिया से ली थी, ये कुछ 43 अभी नहीं है, तो मैं अभी दो तीन लोग कहीं भी अभी मैच जस्ट खत्म हो गया एंड ब्लाइंड ने ट्रॉफी भी ले ली, और क्या ही फायर शो जाना देगा। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने लंच स्किप किया था फॉर सम रीज़न, एंड खाना खा के विल लीव, थोड़ा सा गेट पे क्राउड ज़्यादा जमा हो गया इसलिए हम लोग को थोड़ा रुक के जाना पड़ेगा। मुझे इस पे कॉन्फिडेंस था, मतलब जब से हम बहुत पहले भी खेलते थे तब मैंने इस बार को एक बार खोला था, मतलब इस लड़के पे किसको कॉन्फिडेंस नहीं था बताओ? किसी को नहीं था मेरे अलावा यार, किसी को नहीं था यार, आई ऑलवेज ट्रस्टेड यू, आई ऑलवेज भाई बंदे ने बोला है, बंदे ने बोला मेरा जो फर्स्ट हुआ था 3 साल नहीं भी था,
अरे नहीं, मेरी फर्स्ट फेस कैम थी एसपीएस किड ना, बट मेरा जब फर्स्ट फेस कैम हुआ था, सबसे फर्स्ट वाला, आई थिंक लोगों को याद भी होगा ना, जब तू था लॉबी में। हां मैं लॉबी में ही था, इंसिडेंट पूरा क्या हुआ था इसको याद है ना? हां लोगों पे शेयर किया था फेस कैम के साथ, गलती से मेरा कैम ऑन हो गया, पहले को लगा कि YouTube पे मतलब फेस कैम ऑफ है, डायरेक्ट स्टार्ट स्ट्रीम। ओह मेरा फर्स्ट ऑन है। सो विली, में जब आप आए हो तभी से सब लोग ने ऐसा स्ट्रीट वेयर वगैरह पहनना स्टार्ट किया, एंड मतलब मैंने भी आपकी हेल्प से ही मतलब ये स्नीकर्स वगैरह स्टार्ट किए। आउटफिट मेरा हुडी फर्क से, हाँ? मैं सिर्फ फर्क दिखाओ, फर्क ये निकालो। हाँ सिर्फ फर्क पन तो मैं इवेंट्स पे, इट्स द बेस्ट इंडियन ब्रांड आउट देयर, मुझे भी भेजा उन्होंने, फर्क नहीं है, मैं लिटरली जितने इवेंट जाता हूँ फर्क ही पहनता हूँ। ओके, ये नोबल स्कल्पचर वन ऑफ वन, ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। ओके, प्राइसेस का पता नहीं मेरे को, बट आई थिंक 30,000 नहीं, 20 का तो चेन है, ये 50 का रहेगा आई थिंक, क्योंकि वन ऑफ वन है और आइस ब्लू है, तो आई थिंक 75-80। और क्या हुडी तो पैसे नहीं दिए मैंने, इतना मेरा नॉलेज है 10,000 तक का होता है, 8,000-10,000 के बीच में होता है। टी शर्ट, अच्छा there's a t-shirt too, okay Uniqlo, I think 1500, Uniqlo best lady, yeah even I'm wearing Uniqlo का jacket, Uniqlo का सबसे comfy होता है, एकदम light feel, right pants again Uniqlo everyday के best है, sponsored नहीं है ये, pants I think 3000 होंगे, shoes Balenciaga London sells bridges exclusive, देखो last moment, तो bridges जो UK में stores होते हैं basically जैसे यहाँ का शॉपर शॉप काइंड ऑफ में भी, गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट ठीक है, तो वहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ लंदन के सेल्फ्रिजेस में ड्रॉप हुआ था क्योंकि ये हाई शॉक से हाई अंकल, तो ये आई थिंक मैंने लिया था जब भी $1,000 लिए थे तभी कुछ तो एक्सक्लूसिव सेल टाइप चल रहा था, तो £1,000 पर इसका एक्चुअल प्राइस क्या है? £1,000 मतलब रिटेल उतना है, ओके, तो £1,000 मतलब 1,00,000 के आसपास। ओके, और क्या घड़ी पहने? योर बैग, वॉच, बैग तो ज़ारा का है आई थिंक 3,000 होगा 4,000 होगा। ओके, इट्स कूल बैग, थैंक यू, एंड घड़ी ओरिस, ओरिस एक्विस, तो ये अराउंड 2.3-2.4। ओके नाइस, आउटफिट सो हम वो टोटल कर लेंगे बाद में, आपका तो बताओ, आपने सबका कर लिया, अब मैं आपका करता हूँ। बैग नहीं खत्म है, क्या बैग नहीं, ये जैकेट मैंने यूनिक्लो से लिया था, इट्स अराउंड 2500, मेरे को याद नहीं है प्राइस ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने दो तीन लिए इस टाइप के, then this top is from Zara, इतनी बड़ी आया है ये नया कलेक्शन, ये जो पैंट है मैंने CDC से लिया था, वॉपिंग थ्योरी से, मैं बहुत देख के बोल सकता हूँ, हाँ हाँ राइट राइट, यस वॉपिंग थ्योरीज, गुड ब्रांड, मैंने CDC से लिया था, it was around 5,000 something, then I'm wearing Spider-Verse, ये कितने के मिले थे, 28,000 मिले थे, अच्छा प्राइस में मिल गया था, ये सबसे महंगा है मेरा, I think 2,50,000 का, कोरिया से लिया था ना, कोरिया से, हां 2,50,000 सुबह के बज रहे 10:30 और पूरी रात बिना सोए हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई, एंड हमारा सीट सबका थोड़ा अलग अलग था, सो देखते हैं अभी थक और मर्सी लोग आ रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर देम, एंड फिर जाते हैं घर, बहुत थक गया है, मेरी आँखों से देखो, आई एम सो टायर्ड।